sorry, ask me. DJ. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। लॉकडाउन का माहौल है और कुछ समझ में नहीं आ रहा किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो सोचा जो चीज़ नज़दीक है उसको ही आज एक्सप्लोर करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मलेशिया में जो होटल्स हैं लॉकडाउन के दौरान उनमें क्या सख्ती हुई है और यहाँ पर रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ मिलती है खाने को। आज हम इसी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हमारे नज़दीक ही तेरे को रेस्टोरेंट है, तो मैंने सोचा आज मैं उधर जाता हूँ आपको दिखाता हूँ कि मलेशिया में होटल में खाने के लिए क्या क्या चीज़ सर है आपको। लेट्स गो। ये हमारे घर के नज़दीक ही है, इधर थोड़ा सा आगे जाके ना एक होटल है, उसको हम लोग इधर की मलेशियन ज़बान में बोलते हैं मामा किडा। मामा उसको कहते हैं जो कि इंडियन मुस्लिम हैं उनको यहाँ पे मामा बोलते हैं, और किडे कहते हैं जो होटल होता है या कुछ शॉप इस तरह की चीज़ उसको इधर किडे कहते हैं, तो इसलिए उसका पूरा नाम होगा मामा किडा। ये बिल्कुल ही थोड़ा सा नज़दीक ही है, इतना दूर नहीं है, तो हम पैदल जाएंगे। मेरे साथ ये रिजवान है, ये हफ्जाबाद से है, तो ये कह रहे थे मैंने भी साथ जाना, मैंने बोला चलो। तो ये थोड़ा सा दूर नहीं है, ज़्यादा नज़दीक ही है, तो हम देखेंगे उधर के क्या क्या करना पड़ेगा आपको पहले, क्योंकि इधर अलाउ कर दिया उन्होंने कि पहले आपने अपना एड्रेस मोबाइल नंबर ये सर टेम्परेचर वगैरह लिखना है और फिर आपने एंटर होना है होटल में। तो देखते हैं क्या ये लोग उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं। जी ये है हमारा मामा किडा और इधर पहुंच गए हैं, और सबसे पहले ये पड़ी है कॉपी पेंसिल, इधर नाम लिखेंगे, ये टेम्परेचर चेक करने के लिए। ये देखिए ये मेरा दोस्त अपना नेम वगैरह लिख रहा है और सारा कुछ इधर लिखना पड़ेगा, तो फिर आपने अंदर जाना। ये हैं जी चीज़ें, यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, आपने किसी को नहीं बोलना कि मुझे दो, आपने खुद ही जाना है, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप लो और खाओ और मज़े करो। ये भी चिकन है, उसके बाद ये भी चिकन है, उसके बाद ये बीफ है, और ये भी काली मिर्च वाला चिकन है, और ये गर्दन्स और पंजे वगैरह जो कि पाकिस्तान में काफ़ी लोग खाते हैं। ये आपको मिलेगा दिल और उसके साथ पता नहीं क्या होता है, फेफड़ा वगैरह वो है। ये फ्राई एग्स हैं, और उसके बाद ये कुछ चाइनीज़ फूड है, पता नहीं इसका क्या नाम है, और उसके बाद ये है उजरी जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, ये उजरी है, और ये भी चिकन है, और ये भी चिकन है। ये आपको मिलेगा यहाँ पे लेग पीस, उसके बाद ये भी बीफ है, और ये उन्होंने सैलड टाइप बनाया हुआ है, ये है कलेजी फ्राई, और उसके बाद ये आलू वगैरह का इन्होंने पास्ता वगैरह बनाया, ये बड़ा मज़े का होता है। उसके बाद ये चिप्स, और ये है चिकन फ्राई। और ये सिचुएशन है इस टाइम होटल्स की, 2-3 मीटर के फासले पर उन्होंने टेबल्स वगैरह लगाए हैं, और ये देखिए टेबल्स के ऊपर क्रॉस लगे हुए हैं, जिस जगह पे क्रॉस लगे हैं उस जगह पे आदमी नहीं बैठ सकता। ये 2 चेयर्स हैं और एक दूसरे के आपने गेस्ट बैठने सामने नहीं बैठना, ये भी इनकी पॉलिसी है। उसके बाद ये एक सेटअप उन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर पानी वगैरह आपको वो बना के देते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ से आपको बना के देंगे। ये सारा सेटअप है इनका। ये यहाँ पे वो ये रोटी चनाई बना के देते हैं जो कि बहुत ही फेमस है मलेशिया में, रोटी चनाई। कोल्ड ड्रिंक सेक्शन, ये देख लें सारी चेयर्स उन्होंने लगा दी हैं क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा है। ये काउंटर है, यहाँ पे बिल वगैरह पे करते हैं। ले
जी, साथ ही बारिश शुरू हो गई है मलेशिया में, बुरे वक्त का और बारिश के आने का कोई पता नहीं चलता, किसी टाइम भी ये आ सकती है। अभी हम लोग जब आए थे तो मौसम बहुत अच्छा था, अभी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो गई है। ये चाइनीज़ लोग जो अपनी इबादत वगैरह करते हैं ना, ये उनकी शॉप है, यहाँ से सारा कुछ उनका मिलता है। ये जो फ्रूट्स वगैरह हैं ये भी वो अपनी इबादत में यूज़ करते हैं। और ये हार्डवेयर की दुकान है, ये जो किस्तें पे चीज़ें देते हैं ये उनकी दुकान है, किस्तों पे जो लोग चीज़ें लेते हैं ना वो यहाँ से लेते हैं। तो आपने पहले देखी है ना, यहाँ से हम चीज़ें वगैरह लेते हैं, ये तो स्टोर वगैरह। अभी बारिश की वजह से हम लोग फंस गए हैं, घर जाने में टाइम लगेगा, तो हमने सोचा कि इधर ही खड़े होते हैं 4 मिनट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश तेज़ है। ये देखें, अगर हम लोग इस टाइम घर में गए तो हम फुल भीग जाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा सा टाइम सफ़र करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी बारिश कम होगी तो जाएँगे। तब तक ये मेरा दोस्त है, हेलो हेलो करो, ये मेरा दोस्त है नेपाल से।